नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजनगरी आगरा सहित पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। आजादी के 77 साल पूरे करने के बाद 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें, राजनगरी आगरा के ब्लॉक अकोला की ग्राम पंचायत जारुआ कटरा में स्थित स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में देखिए किस प्रकार आपको दिखा दें, ये लाइव तस्वीरें, स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर जहाँ छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए तो वहीं स्कूल के डायरेक्टर सत्यदेव दुबे द्वारा आज़ादी पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार आज के दिन की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता दिवस के लिए हमारे वीर सपूतों ने बलिदान दिया है। इसी कड़ी में आपको बता दें, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे डॉक्टर राजीव रंजन ने देखिए अपनी कविताओं के माध्यम से छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। तो वहीं मानव वल के साथ साथ आपको बता दें, छात्र छात्राओं ने भी जमकर देशभक्ति के तराने पेश किए। एक से बढ़कर एक देशभक्ति और देश से लबरेज जज्बे के साथ उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें अनेक छात्र छात्राओं ने प्रोग्राम किया। आपको बता दें, अनेक छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम में सभी ने देशभक्ति के गीतों पर शानदार प्रस्तुति भी दी। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य ने सभी अभिभावकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और मुख्य अतिथियों का आपको बता दें अभिवादन भी किया और फूल मालाओं के साथ सभी का सम्मान किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरस्वती माँ की पूजा अर्चना के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैं सुभाष चंद्र सिसोदिया, प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज झारू कटरा। इस तरीके का कार्यक्रम आज स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता के 77वें वर्ष पूर्ण हुए हैं, 78 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस का अमृत काल और आदिकाल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। 15 अगस्त 1947 में जो से पूर्व की जो स्थिति थी, आज की स्थिति है, उस स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के रूप में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हमारे यहाँ भैया बहनों ने, छात्र छात्राओं ने रंगमंची कार्यक्रम, शारीरिक कार्यक्रम, पिरामिड तथा सरस्वती वंदना आदि से यहाँ के समाज को मंत्रमुग्ध कर दिया है और अपने रंगमंची कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे समाज को लुभाया है। ऐसा बहुत रंगारंग कार्यक्रम और प्रशंसनीय कार्यक्रम हमारे विद्यालय का रहा। आगे भी हम कार्यक्रम इस प्रकार से करते रहेंगे, आप सबका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी कामना है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार रंजन, राष्ट्रीय कवि हूँ। आप पहुँचे हैं कार्यक्रम, ये स्वतंत्रता दिवस पर विवेकानंद कॉलेज है, सत्यदेव दुबे जी के आमंत्रण पर यहाँ पर आया और बहुत अच्छा कार्यक्रम में चल रहा है। बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतिकरण की है और मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा अद्भुत कार्यक्रम रखा है। और मुझे भी एक मौका मिला अपनी कविता को सुनाने का और नई पीढ़ी के मध्य मैंने ये कविता प्रस्तुत इसलिए की कि मैं ऐसा ही जवान था जब मैं पढ़ता था, उस समय मैंने कविता लिखी थी। तो ये एक बहुत प्रेरणादायी कविता है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों को, अपने देश के जवानों, अपने शहीदों के जवानों के प्रति उनको आगाह कर सकते हैं और उनसे परिचय करा सकते हैं। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी विद्यालय के सम्मानित अध्यापकगण, सभी छात्र छात्राओं और क्षेत्रवासियों को मैं इस अवसर शुभकामनाएँ देता हूं। और जिस संघर्ष के बाद हमको ये आज़ादी मिली, मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमको अपने कर्तव्यों का सुचितापूर्वक पालन करें। आज इसी उपलक्ष्य में विद्यालय में ये स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, बच्चों के द्वारा उल्लासपूर्वक मनाया गया, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन किए गए
निश्चित रूप से एक उल्लास का त्योहार के रूप में आज विद्यालय इस पर्व को मना रहा है। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सीबीन्यूज।